समय हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। हालांकि एक मूक प्रदर्शन है, इसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमने कुछ कार्यकर्ताओं को राजी किया है जो हमसे बात करेंगे। ये बताइए, ये जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं बंगाल हिंसा को लेकर, तो क्या आपकी मांगे, किस तरीके से जो नारा दिया है बंगाल बचाओ लोकतंत्र बचाओ, तो क्या है? ऐसा है, जो पिछले काफ़ी टाइम से बंगाल गवर्नमेंट की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बौखला गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अच्छा से अपने देश को चला रहे हैं, और उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। अगर उनको हजम नहीं हो रही है तो वो इतनी बौखला गई हैं कि जो हिंदू हमारे हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है, और वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता, एक कोई कार्यकर्ता ने कोई गलती कर दी इतनी बड़ी कि जो उन लोगों ने, मतलब उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, या उनके उनके घर में उनको हमला किया जा रहा है, कल या तो हेलीकॉप्टर को उतरने की धमकी दे रही है, नहीं उतरने दे रही है, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, तो ये उनकी तानाशाही कर रही हैं। उनको बौखलाहट आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी उनके सांसद पैदा हो जाएँ, इस वजह से वो ये नुकसान कर रही हैं। तो ये बताइए, जो आपने ये मूक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री भी बैठे, तो इसका क्या मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं, कुछ बिना कुछ बोले जो धरना प्रदर्शन? देखो, हमें यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सबको सम्मान मिलना चाहिए, और लोकतंत्र सबके लिए है, वो उनके लिए नहीं है कि भाई मेरा ही है, तो वो अपनी अपनी कह रही हैं, जबकि नहीं कहना चाहिए। और सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि बंगाल को बचाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेफ किया जाए, यही हमारी मांग है। और भी हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, आप लोगों का क्या ओपिनियन? देखिए, मेरा यही ओपिनियन है, आपने कहा कि शांतिपूर्ण, मतलब एकदम मौन धारण करके हम लोग दर्शाना चाहते हैं कि प्रशासन को आप सम्मान दो, प्रशासन को समझो, और इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, मतलब जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है, सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन एक राज्य के मुखिया इस तरीके का कार्य करेंगे, वो रियल में उनके अंदर बौखलाहट है, उन्हें लग रहा है कि ये सत्ता हमारे हाथ से जाने वाली है। तो इस तरीके की गतिविधि और प्रजातंत्र में इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए। सबका अधिकार है, सभी अपनी बातें रख सकते हैं, और उसमें अगर किस तरीके का बौखलाहट होके और किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज मौन धारण का ये कार्य वो किया है कि हम संदेश देना चाहते हैं देश में कि इस तरीके के जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको देश से, हम शांतिपूर्वक चाहते हैं कि जो जनता तय करेगी उखाड़ के फेंकेगी, ऐसे हम लोग कामना कर रहे हैं। ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता, जिनका कि साफ तौर पे कहना है कि ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है, जो बीजेपी ने जिस तरीके से वहाँ पे अपना कैंपेन किया है, और ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि इस बार उनका जीतना जो है मुश्किल हो जाएगा, इसकी बौखलाहट में वो जो जिस तरीके की वहाँ पर हिंसा हो रही है, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मूक प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये शांतिपूर्वक रहे। कैमरा पर्सन राहुल झा के साथ मैं सौरभ कुमार, 10 न्यूज़, जंतर मंतर।